गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास. चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है एंड चैप्टर 6 भी स्टार्ट कर दिया है मैंने. चैप्टर 6 के अंदर टिश्यूज पढ़ रहे हैं. एट फर्स्ट हम प्लांट टिश्यूज देखेंगे, परमानेंट टिश्यूज एक्सप्लेन कर दिए. अच्छा, कल की क्लास में हमने बच्चों कुछ एक्टिविटीज समझी थी. एक और एक्टिविटी रिमेनिंग है जो हम करते हैं कि ह्यूमन चीक सेल्स जो हैं उनकी स्टेनिंग कैसे की जाती है. तो वो एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पढ़ेंगे. चलिए, तो हमारी एक्टिविटी क्या है बच्चों? द नेम ऑफ एक्टिविटी, टू प्रिपेयर द. अच्छा, नाइन्थ क्लास, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कई स्टडीज के दौरान काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका नॉलेज इंप्रूव होता है, आपको समझ में आने लगती है. तो ड्यूरिंग द क्लास आप पूरा अच्छे से पहले क्लास को अटेंड करें, समझें मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको. एंड लास्ट के फिर जो 10 या 5 मिनट है उसमें आप हैंड रेज कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज. ठीक है, एक मैंने ऑप्शन आपको ये भी दिया है कि व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपको ऑडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है, या आप कॉल भी करते हैं तो श्योरली मैं अटेंड भी करूंगा उसको, है ना. तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई डाउट ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के लास्ट के जो 5 to 10 मिनट है तब आप पूछ सकते हैं, या फिर आफ्टर क्लास भी आप व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो हमारी एक्टिविटी है टू प्रिपेयर द टेम्पररी, टू प्रिपेयर द टेम्पररी स्लाइड ऑफ ह्यूमन चीक सेल. ह्यूमन चीक सेल्स, ये बच्चों एनिमल सेल्स की स्टेनिंग के लिए है ये रिक्वायरमेंट. सेकेंड स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट. तो बच्चों इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक स्पून, नीडल, ब्रश चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, स्लाइड चाहिए, मिथाइलिन ब्लू. मिथाइलिन ब्लू जो सॉल्यूशन है, स्टेनिंग एजेंट है जो एनिमल सेल को स्टेन करता है. बच्चों जो मिथाइलिन ब्लू है ये एनिमल सेल को स्टेन करता है, तो हमें मिथाइलिन ब्लू भी चाहिए. ठीक है बच्चों, तो ये तो रिक्वायरमेंट थी. नेक्स्ट लेते हैं प्रोसीजर. ग्लास की कांच की स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं. ठीक है, और एक छोटी जो थिन स्ट्रिप है उसे हम कवर स्लिप कहते हैं. अब ध्यान से देखना बच्चों, अपन क्या करेंगे, वो जो प्लास्टिक का जो स्पून लिया है उससे हमारे जो चिक के अंदर का जो पार्ट है वहां पर उसको हम थोड़ा क्रश करेंगे, उनके ऊपर लग जाएगा, बैक साइड से करेंगे उसके, उसको हम स्लाइड के ऊपर रखेंगे. और स्लाइड के ऊपर रखने के बाद में मिथाइलिन ब्लू की 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे. ठीक है, और 1-2 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे. ठीक है, देन फिर 1-2 मिनट के बाद में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कवर स्लिप. ये प्रोसीजर था. तो माइक्रोस्कोप के ऊपर इसे ऑब्जर्व करने पर हमें इररेगुलर सर्कुलर या इररेगुलर शेप की सेल्स नजर आएंगी, और उनके बीच में डार्क कलर का जो है पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी जो कि न्यूक्लियस होगा. सेल्स नजर आएंगी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पर. ठीक है, और ये इनका जो सेंट्रल डार्क कलर का पॉइंट लाइक पार्ट होगा वो न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये बच्चों एनिमल सेल की जाती. ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि एनिमल सेल जो है सर्कुलर शेप में हो सकती है या इरेगुलर शेप में हो सकती है, और इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती. तो एनिमल सेल को स्टेन करने मिथाइलिन ब्लू. ओके बच्चों, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, विच स्टेनिंग एजेंट इज यूज इन एनिमल सेल स्टेनिंग. ठीक है, तो आपका आंसर होगा मिथाइलिन ब्लू. और ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्लांट सेल स्टेनिंग. ठीक है, चलिए अब बच्चों चैप्टर 5 के अंदर जो भी एक्टिविटीज थी वो मैंने आपको कल और आज की क्लास में एक्सप्लेन कर दी है. अब नेक्स्ट जो है मैं चैप्टर 6 को वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ. ओके, यस, मैंने आपको कल भी कहा था बेटा लास्ट में बात करेंगे अपन, ना जो भी आपके डाउट है लास्ट की क्लास में अपन इसको क्लियर करेंगे. हैंड डाउन कर लो बेटा. ठीक है, हाँ, मैंने आपको क्लास के बाद भी मौका दिया है कि आप बाद में भी पूछ सकते हैं फोन करके या व्हाट्सएप करके, तो इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहें. हाँ, अब बच्चों चैप्टर 6 टिश्यू में आ रहा हूं मैं वापस. चैप्टर 6 है अपना टिश्यूज, और लास्ट टॉपिक मैंने फ्लोएम एक्सप्लेन किया था आपको. आज का जो टॉपिक है वो है टिश्यू सिस्टम. यस बेटा, आज का लास्ट सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू सिस्टम. बच्चों प्लांट की जो बॉडी है, जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी को टिश्यू सिस्टम बनाते हैं. और 3 टाइप्स की बात करूं तो फर्स्ट लेते हैं अपन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू,
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ओके बच्चों, सेकंड सेकंड लेते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और थर्ड लेते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ओके, देख लें आप एक बार देख लें आप। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स। वन इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द सेकंड वन इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड द थर्ड वन इज वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। करके इनको समझेंगे अपन। तो फर्स्ट लेते हैं बच्चों टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बच्चों जो एपिडर्मल टिश्यू है ये प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनकी आउटर लेयर, उनकी एपिडर्मिस को बनाते हैं या एपिडर्मिस को इंक्लूड करते हैं। एपिडर्मिस के स्टेम की एपिडर्मिस एंड रूट की एपिडर्मिस। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अपन रूट से स्टार्ट करते हैं। रूट की जो एपिडर्मिस है वहां पर रूट हेयर एमर्ज होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाते हैं सॉइल के अंदर के। ठीक है, इसके बाद में स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम में भी एपिडर्मिस पाई जाती है, कई टाइम हार्ड हो जाते हैं और स्टेम के ऊपर जो लेंटी सेल्स छेद पाए जाते हैं स्टेम के ऊपर, उन्हें हम लेंटी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है ना, गैसीय फॉर्म में। इसके बाद में आ जाते हैं अपन लीव्स में। लीव्स की एपिडर्मिस के ऊपर कहीं कहीं छेद पाए जाते हैं, तो इन छोटे जो छेद हैं इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, और जो कि ओपन और क्लोज होते हैं, वेपर के फॉर्म में रिमूवल होता है बच्चों, और साथ ही साथ स्टोमेटा के द्वारा गैसीय एक्सचेंज भी होता है। तो यहाँ बच्चों मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छा, एपिडर्मिस जो पार्ट है वो प्रोटेक्टिव है प्लांट के लिए। यहाँ पर बच्चों मैं स्टोमेटा का डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप चाहें तो साथ में ड्रॉ कर लें और फिर इसकी स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं कैसे है ये।
बेटा ये एक स्टोमेटल एपरेटस का डायग्राम है और स्टोमेटा लीव्स की अपर एंड लोअर सरफेसेस पर पाए जाते हैं। तो यहाँ ये जो किडनी जैसी किडनी लाइक जो सेल्स नजर आते हैं कहते हैं, तो इनकी इनर वॉल थिक होती है, ठीक है बच्चों। और गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फिल्ड होता है तब ये टर्जिड होती है और ये या जो छेद है इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के द्वारा गैसियस एक्सचेंज भी होता है और वाटर का वेपर के फॉर्म में रिमूवल भी पॉसिबल होता है। जैसे कि ये सेल्स इन्हें हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। क्या कहते हैं, सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। एंड देन सब्सिडियरी सेल्स के बाहर जो सेल्स है उन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। तो बच्चों स्टोमेटस एक्सचेंज और वाटर रिमूवल के लिए भी, ठीक है। तो ये था पार्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का, एपिडर्मिस का। आप डायग्राम देख लें बच्चों। सेकंड हम लेते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक क्या, टिश्यू सिस्टम के अंदर ही चल रहे हैं। सेकंड टॉपिक है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, नाइन्थ क्लास। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बॉडी की, सॉरी प्लांट बॉडी की जो इंटरनल पार्ट है वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर एक तो एपिडर्मिस को एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते, और जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं उनको आप अवॉइड करें, उनको एक्सक्लूड करें। जाइलम फ्लोएम को छोड़कर बाकी जितने भी टिश्यूज हैं स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, वो क्या बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि स्टेम में हाइपोडर्मिस पाई जाती है, तो हाइपोडर्मिस का पार्ट हो गया, इसके अलावा कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। आपको उस समय आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेटलरी रेस क्या है, पिट क्या है, ठीक है, एंड पेरिसाइकल क्या है। तो स्टेम में तो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिट, मेटुलरी रेस, ये सब क्या बनाते हैं प्लांट की इंटरनल। ओके चलिए नेक्स्ट लेते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। चलिए बच्चों थर्ड जो टाइप है टिश्यू सिस्टम में वो है वैस्कुलर। वैस्कुलर का मीन यही होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होना, वहां से वैस्कुलेशन होना। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा बनता है बच्चों, और ये दो टाइप का है। एक तो है रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, रूट के अंदर होता है ये रेडियल वैस्कुलर बंडल। एंड
बच्चों इस डायग्राम को देखिए, ये रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो मैंने आपको बताया कि जो वैस्कुलर सिस्टम है ये दो टाइप के हैं, एक है रेडियल वैस्कुलर बंडल या वेरिड, और रूट्स के अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों जो वैस्कुलर टिश्यू है ये अल्टरनेटली पाए जाते हैं, एक रेडियस पर नहीं पाए जाते। जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम, ओके, रेडियली, ठीक है, अल्टरनेटली पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कुणाल लास्ट में बात करेंगे अपन, ठीक है। आप एक बार डायग्राम देख लें और फटाफट से एक और टॉपिक है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम कम बचा है। ये तो हो गया, सेकंड लेते हैं हम, कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल। कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल, ये बच्चों डाइकॉट स्टेम में ऑब्जर्व होते हैं, ये स्टेम के अंदर, इसके अंदर भी दो टाइप के हैं, एक तो है बच्चों ध्यान से देखिए, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल का क्या मीन है कि स्टेम के अंदर ये देखने को मिलता है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों एंड फ्लोएम बाहर की ओर होते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं कंजॉइंट, एक ही रेडियस पर होना। तो ऐसे वेस्कुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल या कंजॉइंट वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, एक बच्चों एक वर्ड है कैम्बियम, क्या वर्ड है, कैम्बियम का ग्रुप है, मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग CAMBIUM, कैम्बियम इज द ग्रुप ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स, ठीक है, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जो कि डाइकॉट स्टेम के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं, और इनकी और जाइलम की और नई लेयर्स बनती है, ठीक है। तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर क्या होता है कि कैम्बियम एब्सेंट होते हैं, मोनोकॉट स्टेम में कैम्बियम एब्सेंट होते हैं, तो बाहर की ओर फ्लोएम और ये जाइलम, इसे हम कहते हैं क्लोज कंजॉइंट वेस्कुलर कहते हैं, जबकि डाइकॉट प्लांट के अंदर, डाइकॉट स्टेम के अंदर फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, ठीक है। तो इस कैम्बियम की एक्टिविटी से बाहर की और फ्लोएम की न्यू लेयर्स एंड इनर साइड में जाइलमाइट वेस्कुलर बंडल, क्या कहते हैं, ओपन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। तो बच्चों ये इतने टाइप के, थ्री टाइप के वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड। कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट रहे बच्चों, आपको कोई भी डाउट है तो हैंड रेज कर दो, अगर किसी को कुछ पूछना है एक बार हैंड रेज कर दो बच्चों। हाँ यस कुणाल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे को सर रेडियल वेस्कुलर जो बंडल का सर डायग्राम सर मेरे को सर दोबारा समझना है। नहीं, उसमें देखो आपको यहाँ ये समझ में आ रहा होगा कि ये फ्लोएम है और अंदर जाइलम, ठीक है, तो जाइलम आपको अंदर लग रहा है, फ्लोएम सेम बाहर लग रहा है, जबकि रूट्स के अंदर क्या होता है कि वो अलग अलग होते हैं, मतलब एक साथ नहीं होते, जाइलम फिर फ्लोएम अल्टरनेटली पाए जाते हैं, तो इसे हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ओके सर, हाँ एक साथ नहीं होते। थैंक यू सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे को अपन कॉन्जेक्ट वेस्कुलर यहाँ से इसके नीचे वाला समझ नहीं आया।
मैंने करी थी ना वो वाला। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, इन दोनों के बीच में कैम्बियम है। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे ओपन कंट्रोल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, लिखा है और कुछ लिखा ही नहीं आपका, फिर उसके नीचे अंडरलाइन किया। ओके आ गया सर। यस सर। ओके जयश्री, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैम्बियम वापस एक्सप्लेन करोगे? कैम्बियम, कैम्बियम एक टिश्यू की पीस है, एक लेयर है जिसमें जो सेल्स हैं वो मेरिस्टमेटिक होती हैं, लगातार डिवीजन करती हैं, ठीक है, तो इनके डिवीजन से बाहर और अंदर नई सेल लेयर्स बनती रहती है। निसर्ग हेलो, फंक्शन ऑफ एपिडर्मल स्पीक लाउडली सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू? एपिडर्मल टिश्यू का फंक्शन यह है कि एक तो प्रोटेक्शन देना प्लांट के पार्ट को, अब जैसे लीव्स के ऊपर जो एपिडर्मिस है तो उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं, तो ठीक है, तो प्रोटेक्शन देना है ना, और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की डिपोजिशन भी पाई जाती है जो कि एक्सेस वाटर लॉस को, वाटर के लॉस को रोकती भी है, ठीक है। हाँ, और रूट्स के अंदर जो एपिडर्मिस है वहां पर एब्जॉर्प्शन का रोल होता है, ठीक है ना, उनका रूट हेयर की वजह से एब्जॉर्प्शन का एरिया और बढ़ जाता है। सर, आर ह्यूमन और एनिमल सेल्स कलर्ड? हाँ नहीं, जैसे बिल्कुल कलर अलग अलग कलर की होती है, जैसे कि मैं अगर रेड ब्लड सेल्स की बात करूँ तो रेड ब्लड सेल्स रेड है ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। सो सर व्हाई डू वी नीड एनी एक्सटर्नल केमिकल कलर टू वॉच देम इफ दे आर